पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि वी नारायण सामी विश्वास मत हार गए हैं। वहीं स्पीकर ने कहा है कि कांग्रेस ने विश्वास मत खो दिया है। वहीं अब नारायण सामी उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। इससे पहले पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए सदन को बताया था कि उनकी सरकार के पास बहुमत है। विधानसभा का सत्र शुरू होने पर मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। सदन में प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष वीपी शिवकोलुंधु ने कहा है कि विश्वास मत परीक्षण में उनकी हार हुई है। उधर बाद में मुख्यमंत्री नारायण सामी ने उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के विधायक के लक्ष्मी नारायण और द्रमुक के विधायक वेंकटेश ने रविवार को इस्तीफा देने के बाद अब 33 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस द्रमुक गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 हो गई है, जबकि विपक्षी दलों के पास 14 विधायक हैं। पूर्व मंत्री एम ए नमः शिवायम अब भाजपा में चले गए हैं और मल्लाड़ी कृष्ण रावत समेत कांग्रेस के 4 विधायकों ने इससे पहले इस्तीफा दिया था, जबकि पार्टी के 1 अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था। नारायण सामी के करीब ए जॉन कुमार ने भी इस सप्ताह इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री नारायण सामी ने विश्वास मत पेश किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ सरकार के टकराव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के साथ ही हर तरीके से केंद्र शासित प्रदेश के हित के लिए काम किया है। बेदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पूर्व राज्यपाल ने राजस्व सहित कई मुद्दों पर उनके सरकार के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें नहीं चुना, उन्होंने हमारी सरकार को गिराने के लिए साजिश रची, लेकिन हम अपने संभलने के सामर्थ्य के कारण ढूंढ रहे हैं। पुडुचेरी की नवनियुक्त उपराज्यपाल एलजी तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री वी नारायण सामी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था, जिसके लिए सोमवार को विशेष सत्र बुलाया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस द्रमुक गठबंधन के विधायकों के इस्तीफा देने के बाद विपक्ष ने उनके बहुमत खोने का दावा करने के बाद राज्यपाल ने ये निर्देश जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।